हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे तुमसे मिलने के लिए, तुम कहीं और जा रही हो। ए साइलेंस रहो वहां सब लोग। अब तुम, हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे तुमसे मिलने के लिए, पर तुम कहीं और जा रही हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। इससे ज़्यादा ऊपर मत जाना। मैं तुम्हारे फोन नहीं उठाया उसके लिए सॉरी। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं हम। ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं, कोई बात है जो तुम्हें नहीं बताना चाहती हूँ, हम समझते हैं। वो इमली की जिंदगी बर्बाद करके टीना से शादी करने जा रहा है, ऐसे इंसान को तो गोली से उड़ा देना चाहिए और टांग देना चाहिए चौराहे पर। सूरज को सजा देनी पड़ेगी और हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो हमेशा याद रखेगा। तो कौन देगा इमली के बच्चे को नाम? कौन देगा इमली के बच्चे को नाम? पता चल जाए तो इनकी तो शर्म से मर जाएंगे। की कोशिश की तो तुम क्या करेंगे? हाई लेवल
कंटिन्यू। कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होगे तुम। हर समस्या का समाधान होता है, दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी कोई ना कोई समाधान हम ढूंढ लेंगे। एक बार और लूंगा। हर समस्या का समाधान होता है जो, समस्या का भी समाधान हम दोनों मिलकर ढूंढने का। चार ब्लॉक बोलो, गले मिलेंगे। हाँ तो आज इस सीन में काफी मतलब प्यार भी था और थोड़े गुस्सापन भी था, मतलब क्या सही। जी बिल्कुल, चकोर ने आज पहली बार बताया है मुझे कि मतलब इमली प्रेग्नेंट है और सूरज की वजह से ये सब हुआ है, और सूरज टीना से शादी करने जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे गुस्सा आएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि उसको गोली से उड़ा देना चाहिए, चौराहे पर टांग देना चाहिए, पर ये मुझे रोक लेते हैं। मतलब फ़ायदा नहीं है, इमली आकर बचा लेती है सूरज को, जो आप आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे। तो हाँ, तो इमली बचा लेती है, इसलिए फिर फ़ायदा ही नहीं है। एक तरफ हमारी शादी चल रही है तो वो थोड़ा हमारा पर्सनल चलता रहता है साइड बाय साइड, हमारा रोमांस तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं इन्हीं सब थोड़ा बहुत जो कर लेते हैं यही सीन्स में कर लेते हैं। खत डायलॉग में करीब आने लगते, कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है बीच में, हमेशा हमें परेशान करने के लिए। तो अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, और जो कि टीना थी वो मुझसे प्यार करती थी, पर वो वापस आ गई है, सूरज से शादी हो रही है, हम शादी करने जा रहे हैं, जो कि खुशी की बात है, पर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इमली की इतना सारा टेंशन चल रहा है, और तो बहुत कुछ चल रहा है अभी इस वक्त परिवार के अंदर, शो के अंदर। चकोर क्या करने वाले, उसे इतना बड़ा धक्का लग चुका है कि बहन के लिए करती थी, अब बहन को ही मतलब इतनी प्रॉब्लम में आ गई है वो। तो चकोर तो बौखला गई है, तभी तो इससे मदद मांगने आई है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही संभालो, तो है ना, इसलिए इनके पास आई है, बोल रही है अब मुझे मदद करो, क्या करें हम इमली का, कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले, क्या करेंगे, किसी को बता भी नहीं। बाबू के प्यार में इतनी पागल है कि अगर उसको इंसाफ नहीं दिलाया गया तो वो सच में मर जाएगी, दो तीन बार ट्राई कर चुकी है, तो उसे इंसाफ दिला के रहेंगे हम। ये ट्राई भी आप आने वाले एपिसोड में, मैंने बोला है कि हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। सर बात करें बॉलीवुड की, उत्तर पंजाब मूवी है, उसमें वहाँ के संसद बोर्ड ने 89% कट करने के लिए बोला है कंटेंट, तो कितना सहमत है आप इस बात से? बाकी लोग तो नहीं सहमत है, मतलब मूवी में से 89% निकल जाएगा तो मूवी तो बचेगा क्या? एग्जैक्टली और ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में न्यूज़ मतलब आइडिया नहीं है, बिकॉज हम भी डे नाइट यही करते रहते हैं, बट ऑफकोर्स हाँ मैंने सुना था कि 89 कट्स बोले हैं, बट उस पर भी अभी हो गया था कि काफ़ी कम कर दिया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली फिल्म है अगर, और हमारे में कैटेगरीज अलग अलग यूए और ए में डिवाइड कर देते हैं, तो वो ए में करके तो चीज़ें रिलीज़ आई थिंक करनी चाहिए, और अगर वो कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें हैं पंजाब में या जो भी, अगर ऐसा मुद्दा है तो लोगों को देखने को मिलना चाहिए, पता लगना चाहिए, और जो ज़रूरी है, जो आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते या नहीं दिखाना चाहिए वो करेक्ट है, लेकिन उससे तो पूरी फिल्म ही ख़त्म हो जाएगी अगर आप 89 सीन्स कट जाएंगे, तो आई थिंक इतना तो नहीं होना चाहिए।
आखिर एक सवाल, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि उड़ान देखते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके लिए अच्छे अच्छे सीन्स लाएंगे, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। और बहुत सारी मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं, डे नाइट करते हैं। तो कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग उड़ान। थैंक यू। क्या बार बोल सुन सुन है भाई।